जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं हर माह की तारीख 14 व 28 को भारतीय गणतज्ञों, लेखकों, महापुरुषों के एक नए जीवन परिचय के साथ प्रस्तुत हुआ होता हूँ। आज की जो तारीख है 28 तारीख है, आज भी मैं एक नए जीवन परिचय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अब आप नए समय पर नया जीवन परिचय अवेलेबल होगा। अब आपको जो जीवन परिचय है वह सुबह 8 बजे उपलब्ध होगा। तो यदि आपको यह जीवन परिचय की जो वीडियो है, जीवन परिचय का यह जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे गणतज्ञों का जीवन परिचय लाता हूँ जो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और गणतज्ञों के जीवन परिचय देखते रहें। तो देखते हैं भारतीय गणतज्ञ शंकर वरियावर जी का जीवन परिचय। तो इनका जो जीवन काल था, यह माना जाता है कि 1500 से 1560 के मध्य था, 1500 से 1560 ईस्वी के मध्य था। ना शंकर वरियावर जी का जो जीवन परिचय था, जीवन था, वह माना जाता है कि 1500 से 1560 ईस्वी तक था। तो इनका जीवन कब माना जाता है? 1500 से 1560 ईस्वी तक। इनकी जो रचना थी, यह रचना थी क्रिया कर्मकारी। इनकी रचना क्या थी? क्रिया क्रमकारी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, मैं आपको प्रयास करूंगा कि सभी अधिकांश भारतीय गणतज्ञ जो भारतीय हैं उनके जीवन परिचय सर्वप्रथम अवेलेबल करवा सकूं। तो भारतीय गणतज्ञ शंकर वरियावर जी की जो जीवन काल अर्थात जन्म 1500 ईस्वी में और 1560 ईस्वी मृत्यु मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख रचना है क्रिया कर्मकारी है। इनका जन्म स्थान है जो केरल माना जाता है। इनका जो कार्य है, यह एक ज्योतिष थे, ज्योतिषी थे व गणतज्ञ थे। गणतज्ञ के साथ साथ क्या थे? यह एक ज्योतिषी भी थे। ठीक है ना? तो यह थे भारतीय गणतज्ञ शंकर वरियावर जी की जानकारी। इनका जो जन्म है, यह जन्म 1500 और मृत्यु 1560 ईस्वी की में मानी जाती है। इनकी जो रचना है क्रिया क्रमकारी है। इनका कार्य ज्योतिषी व गणतज्ञ थे। इनका जन्म स्थान केरल माना जाता है। अब इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी देखते हैं। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु माने जाते हैं नीलकंठ सोम सुतवन ज्येष्ठ देव नेत्र नारायण और चित्रभानु। यह इनके प्रमुख इनके क्या थे? गुरु थे। इनके गुरु कौन कौन थे? नीलकंठ है, सोम सुतवन, ज्येष्ठ देव, नेत्र नारायण और चित्रभानु। अब हम देखते हैं इनके जीवन परिचय से कुछ हम जुड़ी हुई जानकारी। तो इनके जो विशेष आपको याद रखना है, इनका जीवन काल 1500 और 1560 के मध्य है। इनकी रचना क्रिया क्रमकारी है। कार्यकाल ज्योतिषी व गणतज्ञ है। जन्म स्थान केरलीय संप्रदाय के जन्म है। गुरु नीलकंठ सोम सुतवन, ज्येष्ठ देव नेत्राणा नारायण और चित्रभानु जी हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी साथियों।